भारतीय संविधान दिवस अजमेर में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर अजमेर बस स्टैंड के नजदीक भीमराव अंबेडकर स्टैच्यू सर्किल पर सभी कर्मचारी अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने ध्वजारोहण करते हुए संविधान की शपथ ली। भीमराव अंबेडकर क्लब की ओर से यह आयोजन किया गया, जहां सभी को संविधान ने समान अधिकार दिए हैं इसकी जानकारी दी और शपथ दिलाते हुए सभी को समान भाव से काम करने और अपने अधिकारी के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। इसे मनाया गया है और क्या संविधान दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है, उसके कड़ी में हम डॉक्टर अंबेडकर क्लब अजमेर ने भी संविधान दिवस इस असिस्टेंट चौराहे पर अंबेडकर की मूर्ति के सामने ध्वजारोहण करके मनाया। इसमें हमने सभी को सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया है और सबको, ये संविधान सबके लिए है, पूरे भारत के लिए है, सब नागरिकों को आराम से पढ़ने का अधिकार, महिलाओं को सम्मान का अधिकार, सबको बोलने का अधिकार, इसके लिए तो हम इस संविधान को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और सभी भारतीय इसका सम्मान करें। आपका नाम? डॉक्टर चेतराम रायपुरिया, संरक्षक डॉक्टर अंबेडकर क्लब अजमेर। सबसे पहले तो देशवासियों को 72वें संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज अजमेर में डॉक्टर अंबेडकर सर्किल पर 72वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय, जो जिला कलेक्टर महोदय हैं, वो राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार ब्यावर उनको जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के डॉक्टर चेतराम जी रायपुरिया साहब को मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने झंडारोहण किया। साथ ही साथ राष्ट्रगान हुआ और राष्ट्रगान के बाद में मुख्य अतिथि महोदय ने यहाँ पर नागरिक जनों को संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवाया। इस वाचन के साथ साथ यहाँ पर एक किताब कमजोर वर्गों के सहायता के लिए, जो IPS सीमा इंगोनिया जी हैं उनकी लिखी हुई पुस्तक है, उसे यहाँ वितरण किया गया। इसके बाद में यहाँ पर उपस्थित सफाई कर्मियों को समता, समानता, बंधुत्व और न्याय की भावना के तहत सम्मानित किया गया। शॉल ओढ़ाकर और साफा पहनाकर उनका सम्मान किया गया। यह आयोजन पूरे भारतवर्ष में आज मनाया जा रहा है और यहाँ पर भी अजमेर के जो नागरिकगण हैं उन्होंने संविधान दिवस मनाया है। मैं गजानन सरावता, संयोजक डॉक्टर अम्बेडकर क्लब।